दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं विंडो 11 के 5 ऐसे फीचर के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं ये जो फीचर हैं ये विंडो 11 को और सारे विंडोज से बिल्कुल अलग और स्पेशल बनाता है। तो ये 5 कौन से फीचर हैं इनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आता है आपका स्क्रीन कैप्चर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं अगर कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो उस गेम को आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं और उसे आप YouTube में डाल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अपनी इनकम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रेस कर लेना है अपना राइट क्लिक और यहाँ पर पर्सनलाइज में चले जाना है। अब पर्सनलाइज में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है गेमिंग का, और गेमिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कैप्चर का, तो हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप कैप्चर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड व्हाट हैपन वाला ऑप्शन आपको मिलता है और आपने इसे यहाँ पर ऑन कर लेना है। और यहाँ पर जैसे ही आप कोई गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपने विंडो की प्लस अल्ट की प्लस जी को एक साथ प्रेस करना है और उसके बाद आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। आप अपने हिसाब से मैक्सिमम जो रिकॉर्डिंग की लेंथ है उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो फेवरेट गेम है टेकन 3, मैं इसे यहाँ पर ओपन करता हूँ और जैसे ये गेम ओपन होता है उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है विंडो प्लस अल्ट प्लस जी। तो जैसे ही आप इस बटन को दबाते हो देखिए यहाँ पर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और जो आपका गेम है वो यहाँ पर कैप्चर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर है। नंबर 2 पे आते हैं स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि आप क्या कर सकते हैं एक ही साथ मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, यानी कि एक साथ आप कई काम एक ही विंडो पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है अपना गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करने का। तो अगर आप अपनी स्क्रीन को 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इससे राइट साइड में, तो यहाँ पर मेरी जो स्क्रीन है वो स्प्लिट हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना माइक्रोसॉफ्ट एज, तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो 2 भाग हैं उसमें यहाँ पर क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। उसके अलावा अगर आप कोई और विंडो और खोलना चाहते हैं तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारे विंडो जो 3 पार्ट हैं इसमें बदल चुकी है। इसी तरीके से अगर आप कोई और वर्क करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपनी विंडो को यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ की स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम यहाँ पर तीसरे फीचर की बात करते हैं जो कि है नाइट मोड। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है और आप नाइट पे अपने कंप्यूटर पे नाइट के टाइम पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नाइट मोड को जरूर यूज करना चाहिए। तो उसके लिए चले जाएंगे हम अपने नेटवर्क वाले ऑप्शन में। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए आपको यहाँ पर मिल जाता है नाइट लाइट। तो जैसे आप इसे इनेबल करते हैं जो आपकी स्क्रीन है वो यहाँ पर डार्क हो जाती है, हल्की डिम हो जाती है, जिससे कि आप बहुत ही ईजिली अपने कंप्यूटर पर या अपने लैपटॉप पर बहुत देर तक काम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मुझे इसका बहुत ज्यादा पसंद है जो कि है थीम। तो हम चले आते हैं पर्सनलाइज वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत ज्यादा अलग अलग थीम देखने को मिल जाती हैं जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो डार्क थीम है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर चले जाना है थीम वाले ऑप्शन में। अब थीम वाले ऑप्शन में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है कॉन्टेस्ट थीम, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है कॉन्टेस्ट थीम, इससे आप नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 तरह की अलग अलग थीम देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट है एक्वेटिक, जैसे ही इसे मैं अप्लाई करता हूँ देखिए यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन है वो डार्क हो जाती है, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर डेजर्ट का, डस्ट का, नाइट स्काई का, तो आप इन जो डार्क थीम है इनको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी लगी। 5वां फीचर है टास्क बार। तो मैं चले जाता हूँ अपने टास्क बार वाले ऑप्शन में, यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक और चले जाता हूँ टास्क बार सेटिंग। अब जैसे ही आप टास्क बार सेटिंग में चले जाते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाता है टास्क बार बिहेवियर।
इसमें जाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपका टास्क बार है उसका जो अलाइनमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी है सेंटर। अब मैं इसे यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे कर लेता हूँ लेफ्ट, तो ये चल जाएगा लेफ्ट में। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में रहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसे सेंटर में भी कर सकते हैं। और बाकी ये ऑप्शन जो ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार है, ये तो आपको हर विंडो में देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है जो हमारी यहाँ पर टास्क बार है वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाती है, जब हमें इसे जरूरत पड़ती है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर थे जो मुझे विंडो 11 में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जो फीचर है वो कैसे लगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।